मेरे प्यारे दोस्तों, फिर से नए वीडियो पे स्वागत है। आज हम केसी सिन्हा का 29 नंबर बताने जा रहे हैं आप लोग के बीच। अगर आप लोग 28 नंबर तक नहीं देखे हैं तो आपको सारा वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर देखे हैं तो अच्छी बात है। अगर आपको ये क्वेश्चन डाउट हो रहा है, तो आप लोग ये वीडियो अंत तक देखिए। अगर ये क्वेश्चन डाउट नहीं हो रहा है तो आप 30 नंबर या कोई भी क्वेश्चन आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर भी एग्जाम एक्सप्रेस चैनल पर विजिट करके आपको सारा केसी सिन्हा का सोल्यूशन मिलने वाला है। और आर एस अग्रवाल का आधा मिल चुका है, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन का 10F स्टार्ट किए हैं उसमें, 10F, ठीक है। 10E तक आप लोग को मिल गया होगा, आप लोग का देखे होंगे चैनल पर 10A से 10E तक, ठीक है। आप लोग को एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है। और केसी सिन्हा का 29 नंबर एक्सरसाइज 90.1 का, ठीक है ना, 19.1 का, ठीक है। 29 नंबर बताने जा रहे हैं, मात्र इसमें 43 क्वेश्चन है, उसको जल्दी खत्म करने वाले हैं। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए ये वाला बताते हैं आप लोग के बीच। आप लोग धीरे धीरे देखिएगा तो आप लोग को सारा समझ में आएगा, और आप वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा, आप लोग को सारा कंटिन्यू बोलते ही समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखा है फ्रेंड्स, आई इज इक्वल टू आई, हम लोग डिनोट करते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। आई डिनोट करते हैं इंटीग्रेशन के लिए। लिखा है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये तो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स। सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 10x, और माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट एक्स, ठीक है, माइनस कॉट एक्स। समझ में आ रहा है? तो चलिए, तो सबसे पहले लिखना है फ्रेंड्स, आई इज इक्वल टू, सबको सेपरेट कर देना है, ठीक है। क्या करना है, सबको सेपरेट कर देना है। तो चलिए सबको सेपरेट करते हैं। सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अलग कर दिए, माइनस को रहने दिए, और कोसेक स्क्वायर एक्स को अलग कर दिए इंटू डी एक्स, सबको अलग कर दिए फ्रेंड्स। देखिए डी एक्स को भी हम अलग कर दिए, ठीक है। डी एक्स एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, जरूर होगा फ्रेंड्स। तो चलिए सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 10x, ठीक है, ये माइनस है, और कोसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन में, माइनस कोसेक एक्स, माइनस कॉट एक्स, ठीक है, माइनस कॉट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट देना अनिवार्य है फ्रेंड्स। अगर यहाँ पर सी रहता, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग के देते, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर एंगल में एक्स है तो हम लोग कॉन्स्टेंट सी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे फ्रेंड्स। अब देखिए, अब इसमें सरल करना है, 10x प्लस हो जाएगा ये प्लस माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है, यही हम लोग का आंसर आया फ्रेंड्स। अगर आप लोग को ये वीडियो, चलिए फिर से एक बार समझाते हैं आप लोग के बीच। हम कम से कम आप लोग के बीच 2 बार या 3 बार समझाने का प्रयास करेंगे। अगर उसमें भी समझने में कोई मिस्टेक होता है तो आप कमेंट में लिखिए, ठीक है, आप लोग को सारा वीडियो फिर से उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है ना। आप लोग वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि कम से कम 1K सब्सक्राइब करवा दीजिए, ठीक है। 1K सब्सक्राइब करवाने के बाद ही हमको मोटिवेट मिलेगा। तो चलिए, अभी मात्र कितना हुआ है, 590 प्लस हुआ है, ठीक है ना, 600 के अंदर है, 600 माइनस में, ठीक है। तो चलिए, आप लोग तो इतना कर चुके हैं, ठीक है, मात्र और 400 और करना है, ठीक है, 400 तब हम अपना सब्सक्राइब हाइड अभी है, ठीक है। सब्सक्राइब आप लोग को नहीं दिखता होगा, ठीक है, सिर्फ मेरे को ही दिखता है, वो सब्सक्राइब हाइड अनहाइड कर देंगे, ठीक है। तब लिखिएगा बी एग्जाम एक्सप्रेस, लिखिएगा 1K सब्सक्राइबर, ठीक है, यही लिखाएगा। लेकिन कब होगा, जब आप लोग शेयर करेंगे, ठीक है। शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल पर आप लोग को सारा क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो 3 वीडियो ऑब्जेक्टिव का आ चुका है, ठीक है, और अगला वीडियो आप लोग के बीच आने ही वाला है, ठीक है, जस्ट 2-1 दिन में। अभी क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स थे वो अभी एग्जाम देने चले गए हैं, ठीक ना, इसी कारण मेरा सारा संभालना पड़ता है, मेरे को ही इसी कारण थोड़ा लेट हो गया, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।